इधर बेरमो में कोयला खदानों में सुरक्षा के नाम पर तमाम दावे और दिखावे किए जाते हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, लेकिन यहां न तो खदानों में सेफ्टी के इंतजाम दिखते हैं और न ही मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट और जूता ही दिया जाता है। आइए आपको ढोरी क्षेत्र के अमलो खदान की तस्वीर दिखाते हैं, जहां मजदूर हाई वॉल के नीचे जान पर खेल कर काम करते हैं। इसके अलावा गहरे खदान में भी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में अगर यहाँ कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? उधर सेफ्टी बोर्ड के सदस्य भी मानते हैं कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। एक ऐसा आइटम है, निरंतर उसमें आदमी को प्रयास करते रहना चाहिए। सेफ्टी रोज, हर समय सेफ्टी माइंस में होना चाहिए। कामयाब तो हर माइंस में रहेगा, रहता भी है, लेकिन उसी में हम लोग कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक सुरक्षा के साथ काम हो, उत्पादन हो, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो हम टोकते रहते हैं बीच बीच में, जो भी कमियाँ होगी उसको हम प्रबंधन को हम लोग बताते रहते हैं। अब सेफ्टी के साथ हो रहा है, हम लोग माइंस विजिट किए थे, उसमें कुछ मजदूर टोपी और जूता नहीं लगाए थे, तो हम लोगों ने कहा भाई उसको टोपी जूता लगवाइए, और तुरंत मंगा के लगाया गया। नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो परियोजना को हम सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एडवाइजर डीजीएमएस का रहता है उसके अनुरूप तो माइन सभी चिंता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसका बराबर प्रबंधन को आगाह किया है कि इसको देखिए और जो सुरक्षा का जो नियम है उस पर कार्य कीजिए। हमारे यूनियन के प्रतिनिधि राजू भुकिया जी अक्सर सुरक्षा के संबंध में प्रबंधन से वार्ता करते हैं और अब जो सुरक्षा में जो चूक रहता है उसको बात उठाते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।